हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस हिस्से को लेकर के हाजिर हुई हूँ जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें मालूम होगा कि हमारी जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, हमारी वाइब्रेशन जितनी स्ट्रांग होती है, हम अपनी मैनिफेस्टेशन उतनी ही जल्दी पूरी कर लेते हैं। हम जो हासिल करना चाहते हैं वो थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं अगर हमारी वाइब्रेशंस हाई हैं, अगर हमारी वाइब्रेशन स्ट्रांग है। कहते ना कि एक इंसान की जो ऑरा है, जो उसकी प्राण शक्ति है, प्राण, तो वो जो है, जो उसके चारों तरफ एक उसको उसकी एनर्जी फील्ड घेरे रहती है, वो हमारी वाइब्रेशन को दर्शाती है। और वही वाइब्रेशन अगर हमारी स्ट्रांग है तो हम जल्दी चीज़ों को यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर लेते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जल्दी अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट कर लेते हैं, डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर लेते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल डे टू डे हैबिट्स बताने वाली हूँ, आपके जो आदतें हैं, जो आपका रेगुलर आउटलुक है दुनिया को लेकर के, वो बताने वाली हूँ, जिससे कि इन जनरल जो आपकी वाइब्रेशन है वो हमेशा हाई रहे, पॉजिटिव रहे, आपकी ऑरा स्ट्रांग रहे, आपकी प्राणवायु में इतनी शक्ति हो, मैग्नेटिक ताकत हो कि वो मैग्नेट की तरह से उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। जैसे मैग्नेट एक लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक उसी तरह आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशंस है, वो अट्रैक्ट कर सके उन चीज़ों को जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बात करें कि किस तरह से रेगुलर वे में हम अपनी नॉर्मल जो वाइब्रेशन है उसे हाई रख सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, दैट इज सेल्फ टॉक। जी हाँ, आपको अपने सेल्फ टॉक पे बहुत ध्यान देना है, यानी कि खुद से जो बातें कर रहे हैं। शायद हर इंसान, मैं अपने बारे में तो बहुत श्योर हूँ और आपके बारे में भी यही समझती हूँ कि हर इंसान जो है खुद से सबसे ज़्यादा बातें करता है। वो हर बात जो वो किसी और से नहीं कर सकता, चाहे उसके कितने ही क्लोज नेट सर्कल हो, लेकिन हर बात वो किसी और से नहीं कर सकता, लेकिन खुद से वो हर बात करता है। और ये जो हम खुद से बात करते हैं, जो सेल्फ टॉक करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव हो, इसका हमें ध्यान रखना है। हम कुछ भी, हल्की सी भी नेगेटिविटी आती हो तो उसको हमें रोकना है। जैसे बचपन से ही हमारा जो एक एनवायरनमेंट था उसमें हमें ढाल दिया गया था, बता दिया गया था कि ये चीज़ बहुत महंगी है, ये तुम्हारे औकात की बात नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तुम हासिल नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों, वो जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में परमानेंटली, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं। वो हम अपने सेल्फ टॉक के वक्त अपने खुद को बताते रहते हैं, रिमाइंड करवाते रहते हैं, और उसी उन्हीं रिमाइंडर्स को हमें भूलना है। जब हम बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स के पास जाते थे, और अगर आपके पेरेंट्स एक मिडिल क्लास पेरेंट्स थे या सरकारी नौकरी में थे, तो कहते थे बेटा ये हमारी औकात की चीज़ नहीं है, अरे ये तो बहुत महंगा है, इसे रहने दो, कुछ सस्ता खरीद लो। तो दोस्तों, जो रिच होना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन रिचनेस की कर रहे हैं, वेल्थ की कर रहे हैं, और छोटा सा महंगा टैग देखते ही बोलेंगे ये हमारी औकात में नहीं है, तो आप यूनिवर्स को यही बता रहे हैं कि वो चीज़ें आपकी औकात में नहीं है। और यूनिवर्स भी आपको बदले में वही दे रहा है जो एक मीडियोक्रिटी है, जो एक मिडिल क्लास माइंडसेट है, जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस के थ्रू बाहर यूनिवर्स में। यूनिवर्स आपको वापस वही दे रहा है, वही मीडियोक्रिटी, वही मिडिल क्लास स्टैंडर्ड, वही मिडिल क्लास आउटलुक। तो आप रिच एंड वेल्दी लोगों में कैसे पहुंचेंगे? तो आपको सेल्फ टॉक पे बहुत ध्यान देना है कि जो आप चाहते हैं आप वही सोच रहे हैं। अगर आप रिचनेस चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, तो आपका जो सोच है, जो सेल्फ टॉक है, वो अमीर लोगों वाला ही होना चाहिए, रिच और वेल्दी लोगों वाला ही होना चाहिए, एक मिडिल क्लास वाला नहीं होना चाहिए। ठीक इसी से मैच करता है नंबर टू पॉइंट, दैट इज ऑब्जर्वेशन। यस, कि हमें जो भी हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, या खुद से बात कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व करते रहना है दोस्तों। बिकॉज हमारे, हमें पता भी नहीं चलता है, एवरी मिनट 11 मिलियन थॉट्स आर कमिंग टू आवर माइंड, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम मैनिफेस्ट तो कुछ और कर रहे हैं और ठीक उसका ऑपोजिट हम दिन रात सोच रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। हम सोच तो रहे हैं बहुत वेल्दी होने का, लेकिन एक रिक्शे वाले से 5 रुपए के लिए झगड़ा कर रहे हैं, एक सब्जी वाले से 2 रुपए कम करवा रहे हैं,
मिर्ची फ्री में लेने के लिए चिक चिक कर रहे हैं, मिर्ची धनिया फ्री में लेने के लिए। तो दोस्तों अगर हमारी बातें ये होंगी तो हम रिच और वेल्दी कैसे होंगे? तो हमें अपने छोटे छोटे एक्ट्स पे, छोटी छोटी हरकतों पे ध्यान रखना है। अगर हमारे कोई कपड़े हैं और जो ड्राई क्लीन होने चाहिए कायदे से, और हम सोचते हैं इसको घर में नहाने वाले सोप से धो देते हैं, खराब नहीं होगा, ड्राई क्लीन के इतने पैसे क्यों दें। तो ये जो छोटे छोटे एटीट्यूड्स हैं ना दोस्तों, हमारे हो सकता है 150 रुपये बचा देते हों, लेकिन हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से वो खराब कर देते हैं। हम जो करोड़ों मिलियनेयर और बिलियनेयर बनने की सोच रहे हैं, हम यूनिवर्स को ये प्रूफ दे देते हैं, दर्शा देते हैं कि हम एक मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ही रह सकते हैं, हम बिलियनेयर बन ही नहीं सकते, हमारा माइंडसेट ही नहीं है बिलियनेयर और मिलियनेयर वाला। तो वी हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट आवर थॉट्स, अबाउट आवर माइंडसेट, अबाउट आवर सेल्फ टॉक, अबाउट द एक्ट्स वी आर डूइंग, अबाउट द बिहेवियर वी आर रिफ्लेक्टिंग इन सोसाइटी, हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ऑब्जर्वेंट रहना है कि क्या जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारा ये जो बिहेवियर है इन अलाइनमेंट है उस मैनिफेस्टेशन के या नहीं। अगर नहीं है तो उसको इमिडिएटली ड्रॉप करें और आप वो काम करें जो आपके मैनिफेस्टेशन के अलाइनमेंट में हो। तो दैट इज नंबर टू। नंबर थ्री दोस्तों की बात करें तो वो है रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं अक्सर कहती हूँ कि आप अपने सबसे करीबी 6 लोगों जैसे बन जाते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास आउटसेट में रहते हैं और सब एवरेज हैं, और आपके करीबी सारे लोग जो हैं बहुत एवरेज हैं, तो आप एक एवरेज बन के निकलेंगे। एक किताबें हैं जो आपको अबव एवरेज मिल सकती हैं, आप उस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको वो दर्शाती हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और इनको अपना सबसे करीबी दोस्त अगर आप बना लेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप जेन्युइनली पहुंचना चाहते हैं। तो किताबें अच्छी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके माइंडसेट को एक्सपैंड करने के लिए, आपके थॉट्स प्रोसेस को एक्सपैंड करने के लिए, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एक्सपेंशन में लेके आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें। क्योंकि हर कोई, किसी के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि अपने नियरेस्ट 6 लोग वो ऐसे ला सके जैसा वो बनना चाहता है, लेकिन अपने नियरेस्ट 6 किताबें तो ऐसी रख ही सकता है जैसा वो बनना चाहता है। तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड यू मस्ट कीप देम नियर यू। ये था नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, किताबें। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो दैट इज एक्सरसाइज। यस दोस्तों, कहते हैं ना कि वाइब्रेशन है क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट, तो यानी कि किस तरह से हिल रहे हैं हमारे जो पूरा मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी जो है दैट इज अ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सब कुछ हमारा फास्ट मूव करता है, सब कुछ ज़्यादा तेज दौड़ता है। आप देखेंगे जब आप दौड़ के आते हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग रौनक होती है, एक अलग नूर होता है, एक जो आपकी स्किन है वो ज़्यादा ब्राइट होती है, शाइनिंग होती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट हैं ये बढ़ जाते हैं, यानी कि आपकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, कीप योर बॉडी फिट एंड योर माइंडसेट फिट एंड हेल्दी। तो एक्सरसाइज है नंबर 4 पॉइंट दोस्तों। नंबर 5 पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो दैट इज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। कहते हैं ना कि हमारे जो ख्यालात हैं, हमारा जो आउटलुक है, हमारे जो थॉट्स हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स तो अनलिमिटेड है ना। जितना आप यूज़ कर लें, पूरी दुनिया जितना मर्जी करके यूज़ कर ले, सदियों से यूज़ कर रही है, तो भी इस प्रकृति में, इस एनवायरनमेंट में कमी नहीं हुई चीज़ों की। आज भी हमें खाने को देती है, हमें हवा देती है, हमें ऑक्सीजन देती है, हमें पानी देती है। दिस इज एबंडेंट, दिस इज वास्ट। तो उस वास्टनेस के बीच में जब हम बैठते हैं ना, तो जो हमारा लिमिटेड आउटलुक है, हमारा लिमिटेड माइंडसेट है, वो उस वास्टनेस के साथ अलाइन हो जाता है। एंड वी मिंगल इनटू दैट वास्ट यूनिवर्स विद दैट वास्टनेस ऑफ दिस एनवायरनमेंट एंड दिस यूनिवर्स। तो हम इस प्रकृति के साथ जब एक सार हो जाते हैं तो हम अपने आप ही वास्ट हो जाते हैं, अबंडेंट हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी वाइब्रेशन है, हमारी ऑरा है, वो अबंडेंट हो जाती है, हाई हो जाती है, रिच हो जाती है इस प्रकृति की तरह। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रकृति के बीच में बिताएं। प्रकृति कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपके आसपास कोई छोटा जंगल ना हो तो आप पार्क में भी जा सकते हैं, किसी पेड़ को हक करके खड़े हो सकते हैं,
पौधों के बीच में रह सकते हैं, फूलों को छू करके देख सकते हैं, आपको हर चीज में प्रकृति फील होगी। कुछ भी नहीं करेंगे ना तो सिर्फ आंखें बंद करके जब आप लंबी सांस लेंगे तो आपको उस हवा में भी प्रकृति फील होगी, और उस हवा को जब आप पूरा इनहेल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो यू विल बिकम वन विद दिस यूनिवर्स। ये जो वननेस है, ये जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, ये आपके ऑरा को बढ़ाएगा, ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा। तो स्पेंडिंग टाइम इन द यूनिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दोस्तों, ब्रिंगिंग स्माइल ऑन अदर्स फेस। जब आप किसी और के चेहरे पे मुस्कान लेके आते हैं तो आपके अंदर का ऑरा अपने आप ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो आपके अच्छे ऑरा को फील कर पा रहा है। और उसका सबसे आसान तरीका है, आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े दान करने की ज़रूरत नहीं है, भंडारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास लाखों रुपए नहीं है लोगों की सेवा करने के लिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपको बदले में सिर्फ स्माइल करना है। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि जब आप स्माइल करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति चाहे ना चाहे आपको देख के वापस स्माइल बैक करेगा। तो आप मुस्कुराते रहिए, सामने वाला अपने आप मुस्कुराएगा, और ये जो मुस्कान है ये आपकी ऑरा को बढ़ाएगी, ये आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाएगी, और एक बार आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थ्रू योर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, और अपनी जिंदगी को 50 साल भी आगे लेकर के जा सकते हैं अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग है, वाइब्रेशन स्ट्रांग है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर वाइब्रेशंस इंस्टेंटली विद योर डेली रूटीन एंड डेली हैबिट्स। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो ज़रूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा ख्याल।